Guys, face a fog of full. Okay, ये देखे fog से full भर चुका है. So hey guys, welcome back to new vlog. I hope you are fine and doing great guys. So welcome back to another new vlog guys. So आज है ना कुछ छोटा सा ट्रिप करने के लिए बाहर जा रहे थे. And by the way, अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल तो 3 बजे से छूटने वाले हैं. एंड कभी भी हम लोग सुबह छूटते थे बट एक टाइम थोड़ा कुछ काम भी था इसलिए अभी छूट रहे. आपको जाते जाते बता दूंगा कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले और अब अच्छे से घूमेंगे ना तब आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे. सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. एंड अभी भी तैयारी चल रही है, आप देख सकते हो फुल पसीने से मैं लतपत हो चुका हूँ क्योंकि हुबली में सीरियसली गाइस बहुत मतलब बहुत गर्मी है. इधर फ़ैन है, फ़ैन तो कुछ लगता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं. व्लॉग कर रहा हूँ अभी अभी बहुत है, इतने इतने सामान बाकी है चुका है. बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लॉक से ये हट गया है. क्या शेड्यूल? क्या शेड्यूल? शेड्यूल है वो बोल. अरे कहना क्या चाहते हो? कहना कुछ क्या हो? कुछ नहीं मालूम, तुझे मालूम नहीं है. तो फाइनली देख सकते हैं टाइम 3 o'clock हो चुका है एंड जस्ट अब हम लोग छूटे हैं. हम लोग अब जा रहे हैं गोवा. फिलहाल सब लोग याद आया कहाँ जा रहे हैं. ये हमारा सस्पेंस वाला ट्रिप था क्योंकि हम में से किसी को मालूम नहीं था इतने टाइम पे जाने वाले. शॉर्ट टाइम में डिसाइड हुआ है. सीरियसली गाइस बहुत शॉर्ट टाइम पर डिसाइड हुआ क्योंकि सुबह में मैं भी बाहर था एंड जस्ट किसी को मालूम नहीं था कि हम लोग जाने वाले गोवा. सीरियसली हम 3 लोगों को ही मालूम था बट वो भी क्या जस्ट तुम लोग ने किया था वो प्लान ना कर रहे थे तब वो फुल फाइनल हो गया. मैं जब घर आ गया ना तब इन लोग बोल रहे थे गोवा जाएंगे बोल के. सो मैं भी अच्छा हुआ कि चलेंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा. बहुत दिन से कंटेंट भी अपलोड नहीं किया आप लोगों के लिए. सो कंटेंट मिल गया आपको. सो प्लीज़ अब तो कंटेंट आते रहेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना गाइस एंड चैनल को 1K तक पहुंचा देना गाइस जल्दी जल्दी से. सो फाइनली गाइस देख सकते हो 3:41 बज चुका है एंड जस्ट हम लोग ने टावर क्रॉस कर दिया है. अभी हम लोग कुछ आगे निकल गए हैं एंड यहाँ पर आपको कुछ दिखाने का कुछ नहीं है गाइस, वही सेम रोड ही है देख सकते हो. एंड आपको ये दिखा के आप भी बोर हो जाएंगे. कुछ अच्छा चीज़ मिला तो आपको दिखा दूंगा. एंड ऑलरेडी हम लोग लंच करके ही निकल गए थे तो कुछ होटल पर रुक कर आपको फूड भी दिखा सकता था बट लेकिन कुछ कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा मिलता ना तब आपको मिलता हो. एंड फिलहाल तो देख सकते हैं ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं, अंकल मस्त करके गाड़ी इंजॉय कर रहे हैं एंड पीछे सब लोग वैसे ही है जैसे जैसे स्टार्टिंग आ जाते ना वैसे वैसे ही है. अभी भी कुछ बात तो करेंगे नहीं उन लोग भी एंड ऐसा ही है. ये सॉरी हमको कुछ यहाँ पर मंकीज रहते ना उन लोग को देने, उन लोग के लिए खाना है वो एंड ऐसा है ऐसे देख सकते हो. देख सकते गाइस रामनगर. सो यहाँ पर हम लोग ने स्टॉप लिया था बेकरी के पास एंड कुछ आइसक्रीम्स लिए एंड यहाँ पर चिप्स भी है खाने के लिए, मतलब कुछ तो स्नैक्स चाहिए ना गाइस, इसलिए हम लोग का एक ब्रेक लिए थे. एंड यहाँ पर हम लोग का चेक पोस्ट आ चुका है, हुबली एंड गोवा का एंड आ चुका है. अब ये चेक पोस्ट को हम लोग पार करते हैं, पार करने के बाद वही डायरेक्ट गोवा बॉर्डर पर हम लोग पहुंच जाएंगे. मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए 20 रुपीज़ कुछ देना पड़ता था, पहली बार हो गया इतना. हम लोग गोवा आ गए कभी भी नहीं था बट आज हम लोग को 20 रुपीज़ पे किया. सो हुबली से हम लोग का गोवा आते ना तभी 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एंड आते जाते समय भी हम लोग को 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. हम लोग ने कुछ न्यू रूल्स बनाए, क्या कर सकते हैं गाइस. यहाँ पर चीटी कुछ रहेगा उसका, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ऐसा कुछ इन लोग करते हैं कुछ मालूम नहीं बट वो छोड़ दीजिए. अब हम लोग का गोवा बॉर्डर पर आ चुके हैं फाइनली एंड देखते हैं आपको कैसा लग रहा है. देखिए रोड्स मस्त है इधर के, फुल फॉग से हो चुका कवर हो चुका है एंड ट्रैफिक तो रहेगा ही. यहाँ पर पहली बार इतना फॉग देखा मैंने, कभी भी हम लोग सुबह आते ना तब हम लोग देखते थे बट कैसा फॉग है फुल. ये देखिए फॉग से फुल भर चुका है. ये भी कितना 6:45 शाम की होगी. सीरियसली गाइस कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख सकते थे ऑलरेडी हैजार्ड लाइट मैंने ऑन कर दिया है. सो रिस्क कुछ भी नहीं, आराम से जाते हैं एंड पहुंचने के बाद आपको बोलते हैं बट सीरियसली देख सकते हैं. फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं श्री मालसनारायण टेम्पल. यहाँ पर हम लोग हॉल्ट करने वाले आज के लिए. पहले क्या करते हैं उतरते हैं सामान लेके जाते हैं रूम लेते हैं. ये अंकल को गड़बड़ बोलते हैं ओके कैसा तो करके बचाते हैं और पहले रूम लेते हैं. सोचिए देख सकते हैं. सो है श्री मालसनारायण टेम्पल. आपको मोस्टली मैंने ब्लॉग गोवा आया था ना तब आपको दिखाई रहेगा मैंने ब्लॉग में.
अभी तो फुल बारिश का मौसम है, देख सकते हो बारिश गिरने वाली है फुल, देख सकते हो आप लोग थंडरिंग हो रही है। सो चेस गाइस, कल सुबह आपको अच्छे से आपको इधर का व्यू देता हूँ। सो चेस फॉर इट, सो फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद आपको मिलता हूँ एंड कुछ करते हैं आपको इस ब्लॉग को पता चलेगा। बारिश कैसा है देखिए अंकल, अंकल्स ये अंकल्स और कुछ बोले, बारिश बहुत आ रहा है इधर भी ना, इधर भी ना, बारिश तो बहुत है यार इधर, देख सकते हो आप लोग फुल ऑन बारिश ही है, आप लोग इधर लाइट पे देख सकते हो फुल ऑन बारिश है। हाँ वही फुल ऑन बारिश ही है। सो चेस गाइस, गोवा ने हमको स्वागत कर दिया है। ये ही है गाइस श्री मालसनारायण टेम्पल, रहे हैं ये डिनर करने के लिए, टाइम भी देख सकते हो ऑलरेडी कुछ 8 बजे है एंड तो फुल लॉन बारिश है गाइस, सीरियसली फुल लॉन बारिश है। सो करंट भी अभी ना जस्ट गया है, देखते सब लोग हम लोग यहीं पर है, कुछ होएगा नहीं, अब पहले जाते आगे एंड उधर से आपको कंटिन्यू करता क्योंकि आगे गाड़ी है ना, आगे गाड़ी से जाते। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं यहाँ पर पैन एरोमा पर, यहाँ पर हम लोग डिनर करने वाले एंड यहाँ पर हम लोग ने गाड़ी पार्क कर भी दिया है एंड मोस्टली मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट गोवा का करंट गया है, देख सकते हो गाइस ऐसा कुछ होटल है एंड फाइनली गाइस लिपटा लेते हैं एंड आदर्श कैसा था? सब अच्छा है, अब इस पर टूट पड़ते हैं एंड टेस्ट करके बताओ। चेस तो फाइनली गाइस चिकन चिली आ चुका है, देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है एंड इसको ट्राई आउट करते हैं। फिलहाल तो ये ना गाइस सीरियसली ऑसम था, सीरियस मतलब सीरियसली ऑसम है एंड अंकल ऐसा क्यों बैठे आप, कैसा लगा अंकल मस्त है ना होटल? अच्छा कैसा है होटल? अच्छा ना डिशेस की? तो एक कुछ डिश आया है बट इसका नाम कुछ अभी तक मुझे मालूम नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है। आएगी बहुत लंबा चौड़ा है, कम इन क्या का स्पेशल है तो चलेगा, इस पर टूट पड़ते। फाइनली गाइस भांगड़ा फ्राई चुका है, वाइट राइस एंड कुछ कौन सा सारे कुछ तो इसका रसम है, कुछ मोस्टली फ्रॉन्स रहेगा, दिखाता हूँ फ्रॉन्स देखिए। सो हमारा रहे ये लंच सॉरी डिनर है, सो चेस गाइस ये ले खा लेते। सो फाइनली आ चुके हम लोग डिनर कर और डिनर अच्छा था डिनर भी बट अब उनका वेटिंग टाइम बहुत था गाइस, इतना ही था बट डिशेस सब कुछ अच्छे है। 10 o'clock के बजाय एंड पहुँच चुके हैं यहीं पर ही एंड देख सकते हैं फुल ऑन बंद हो चुका है एंड थोड़ा ड्रिजलिंग भी हो रहा है, ऑलमोस्ट सभी दुकान तो बंद हो चुका है देख सकते हो एंड यहाँ पर हम लोग कभी भी पार्क करते थे भूल चुके, इधर ही हम लोग का गाड़ी रहता था, कौन सा भी हम लोग ने गाड़ी लिया था ना आजकल, आज सब मतलब आजकल मतलब पिछले हमले पास में कौन कौन सा गाड़ी था हमारा, सब लोग हम लोग यहाँ पर ही पार्क करते थे तब के टाइम पर बहुत मज़ा करते थे गाइस, बातचीत रहेगा और उस पर मैं ब्लॉग करता नहीं हूँ। सो गाइस आपको ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस एंड बेल आइकन को दबा देना सो दैट कौन सा भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसी के साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर गाइस, टिल देन 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना गाइस। सो इसी के साथ मिलता होगा नेक्स्ट ब्लॉग पर, सो ड्रीम बिग गाइस, स्टे सेफ एंड बाय गाइस, सो बाय।